बॉलीवुड एक्ट्रेस और अनिल कपूर की लाडली सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर पति आनंद आहूजा और बेटे वायु के साथ एक मोन्टाज वीडियो शेयर किया। पोस्ट के साथ कैप्शन में एक्ट्रेस ने बताया कि 2023 में उनके पति ने एक गंभीर बीमारी का सामना किया जिसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा था। हालांकि एंड में बीमारी का पता भी चल गया और इलाज भी हो गया। जी हां, बॉलीवुड के कई स्टार्स ने नए साल से पहले 2023 की कुछ यादें शेयर की। एक्ट्रेस ने बताया कि गुजरा साल उनके लिए कैसा रहा। ज्यादातर सेलेब्स ने अच्छा वक्त गुजारने की बात कही वहीं अब अनिल कपूर की लाडली सोनम कपूर ने 2023 को लेकर अपना अनुभव शेयर किया जो कि चौंकाने वाला है। जी हां, सोनम कपूर ने बताया कि 2023 उनके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा है। पति की बीमारी ने उन्हें जिंदगी को मुश्किलों भरा बना दिया। हालांकि अब वो एक बार फिर से लाइफ को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर पति आनंद आहूजा और बेटे वायु के साथ एक मोन्टाज वीडियो शेयर किया था। पोस्ट के साथ कैप्शन में एक्ट्रेस ने बताया कि 2023 में उनके पति ने एक गंभीर बीमारी का सामना किया जिसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा था। हालांकि एंड में बीमारी का पता भी चल गया और इलाज भी हो गया। इसके साथ ही अब सोनम और आनंद एक बार फिर अपने काम पर लौटने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोनम कपूर ने कहा, बीता साल उतार चढ़ाव से भरा रहा है। पेरेंट्स बनने की जिम्मेदारी के साथ इससे जुड़ी खुशियां और डर भी आए। इस बात को समझना कि इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली में काफी बदल गई हूँ और ये तकलीफ एक्सेप्टेंस और अंत में खुश रहने के साथ आया है। एक्ट्रेस ने आगे कहा, फिर मेरे पति के बहुत बीमार पड़ने से जूझना जिसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका और अंत में पता चला कि ये क्या था और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। ये 3 महीने नरक के थे। भगवान और डॉक्टर सरीन का शुक्रिया। करियर में तेजी से आगे बढ़ते पति को उनके काम में सपोर्ट करते हुए एक बार फिर अपना काम शुरू करना पड़ा। परिवार और कमाल के दोस्तों के साथ कीमती वक्त बिताने के साथ ही ये साल सबसे मुश्किल, शानदार, खुश और समृद्ध रहा है। 2024 की बात करें, 2024 की बात करते हुए सोनम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये साल भी उतार चढ़ाव के साथ तमाम सबक और विकास लेकर आएगा। मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि युद्ध से कुछ नहीं होता। इस समय हो रहे गलत और भयानक युद्ध में खोए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जहाँ केवल सिटीजन और बच्चे घायल हो रहे हैं जबकि सत्ता में बैठे लोग राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि पूरे पोस्ट में सोनम ने ये बताया नहीं कि उनके पति आनंद आहूजा को आखिर कौन सी बीमारी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने कैप्शन के जरिए अपने फैंस को ये भनक दी है कि उनके पति आनंद आहूजा किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि उन्होंने अपने कैप्शन में बताया कि उनके पति अब बिल्कुल ठीक हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।